हेलो फ्रेंड्स, मैं सद्दाम पठान, आप देख रहे डोंगरी एक्सप्रेस। जैसे कि ये हमारे जो यहाँ के रहवासी है मेमन वाड़ा रोड के, इनके कंप्लेंट हम यहाँ पर आए हैं। जैसा कि बिल्डिंग नंबर 36 बिल्डिंग नंबर करीम बिल्डिंग, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं बिल्डिंग का जो एंट्रेंस, यहाँ पर जो बिल्डिंग के एंट्रेंस के पास, यहाँ पर आप देख रहे हो कि किस तरह जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह जो ग्राउंड आपको पूरा वेस्ट दिख रहा है, जो ये पूरा वेस्ट पूरा बाहर निकल के पड़ा हुआ है। यहाँ पर लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है, बिल्डिंग वालों को भी काफ़ी तकलीफ हो रही है आने जाने में। इश्यू सर ऐसा है कि हम दो बार वो ऑफिस में होके आए, पहले तो हम कांग्रेस के ऑफिस में दो बार होके आए, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कि हम बीएमसी के ऑफिस में दो बार अपने ये सब बता के आए, फिर भी ऑफिसर बोले कुछ काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा उसका, उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं, और उल्टा और कचरा बढ़े जा रहा है और तकलीफ बढ़ते जा रही है। हमारे भाई भी कुपल भाई भी दो बार आके गए थे, दो बार हम साथ में गए थे इनके भी, फिर दो एक बार हम अकेले गए दूसरी बार साथ में गए, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं भाई जी। भाई साहब, जैसे कि ये जो आपका जो ट्रांसपोर्ट ऑफिस है बराबर ठीक बाहर ही जो हो रहा है, तो कितने दिनों से ये पानी का जो ये जिससे हम जो देख रहे हैं वेस्ट और निकल के बाहर पड़ा हुआ है, कितने दिनों से? 3 दिन से तो हम लोग फोन कर रहे हैं, कम से कम इसको 10-15 दिन हो गया। चलिए 10-15 दिन से ये इसी पानी बाहर पड़ा हुआ है, ये पूरा देखा पूरा वेस्ट, ये पूरा वेस्ट इसी बाहर निकल रहा है। दो बार गेम्स के ऑफिस में भी होके आ चुके, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। कांग्रेस ऑफिस में भी गए, फिर भी गए, मैडम फोन उठाती है खाली बोलती है कि भेज रहे थे, आता कोई नहीं। ठीक है, जैसा कि हम आए हमारे मेमन वाड़ा रोड पर, यहाँ पर बिल्डिंग नंबर 36 करीम बिल्डिंग जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह ये वाटर लॉगिंग पूरा पड़ा हुआ है। ये वेस्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको, उसमें बाहर दिखा रहा हूँ जिसे हम टॉयलेट बोलते हैं, पूरा टॉयलेट बाहर किस तरह एंट्रेंस पे देखो। किस तरह रमज़ान का महीना है, यहाँ से काफ़ी आगे आप देख सकते हो मीनार मस्जिद है, यहाँ पर कुछ ही दूर पे फायर ब्रिगेड है। यहाँ से जो लोग आते हैं मीनार मस्जिद पे खाना खाने के लिए, उनको इस तरह जो ये टॉयलेट है जो बाहर निकल के रास्ते में पड़ा हुआ है, अभी तो यहाँ के कुछ लोगों ने इसको साफ़ करा है, जैसा बीएमसी गाड़ी है इसको साफ़ करिए। लेकिन हम आपको बता सकते हैं कि आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर ई वार्ड में काम हो रहा है। इसी के साथ मैं अपनी रिपोर्टिंग क्लोज करता हूँ। सद्दाम पठान, देखते रहिए डोंगरी एक्सप्रेस। जय हिंद।